परमेश्वर के वचन में से एक आयत को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसका 24 पद। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 24 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 24वां वचन। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम किसके पास आए? हम किसके पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। लहू पुकारता है, है? क्या है? लहू पुकारता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं लहू कैसे पुकारता है। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्या वहां पर दो भाई हैं और एक भाई की हत्या कर दी गई है और उसका जिसकी हत्या की गई है जिसे गाड़ दिया गया हत्या करके, तब परमेश्वर ने 9 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, 8 पद में लिखा हुआ है उसने किसको घात किया, 9वें पद में यहोवा ने आकर पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और उसके बाद लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ब्रदर, उत्पत्ति 4:9। तब परमेश्वर यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ? तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और उसने कहा मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। खुदा को जवाब देने का तरीका देखिए, क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूँ, रखवाला हूँ, मैं उसके पीछे पीछे घूमू। दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग। जब पाप जीवन में समाता है ना तो सामने वाला नजर नहीं आता है कि हम किस से बात कर रहे हैं। कई बार ऐसे ही विश्वासी भी करते हैं, सामने अगुआ खड़ा है वो उनको नहीं दिखता, अगुए से कैसे बात करनी चाहिए, भूल जाते हैं कि ये वही अगुआ है जिसने हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, दुष्ट आत्मा निकाली हमारी, हमारे लिए हम बीमार थे, हम जेल खाने में थे, हमारे लिए दुआएं करी, हमको बाहर लाया, हमारी शादी नहीं हो रही थी, हमारे लिए प्रार्थना की, शादी हो गई। ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं और जीवन में कभी आशीष नहीं पाते हैं, याद रखना, वो श्राप के भागीदार होते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, उसने कहा तूने क्या किया है, तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि के अंदर से पुकार रहा है। लहू पुकारता है, लहू पुकारता है, हाबिल का लहू से उत्तम बातें यीशु का लहू करता है। हाबिल क्या बोल रहा है, क्या पुकार है हाबिल की, हमारे हत्यारों का बदला कब लिया जाएगा। हाबिल का चरित्र देखें, उसके लहू में क्या है, बदला, पर यीशु के लहू में बदला नहीं है, क्षमा है। क्या है? क्षमा है। और एक बात ध्यान रखिए, लहू में प्राण है हमारा। अरे उसका, उसको कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं था, लहू निकल गया, सारा खून निकल गया तो वो मर गया। इसका मतलब लहू में प्राण है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करने वाले यीशु के लहू की बात करेंगे। हाबिल पुकार कर कह रहा है कब्र में से, कब तक तू मेरे हमारे अपराधियों का और हमारे हमारे जो हत्यारे हैं उनका, उनसे बदला नहीं लेगा। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में भी आप जाएंगे तो वहां वेदी के नीचे उसकी आत्माएं क्या कह रही हैं, वो मांग रही हैं, न्याय मांग रही हूं कि कब तक। पर यीशु का लहू, यीशु ने पुकार पुकार कर कहा ये पिता इन्हें माफ कर दे, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं। इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है।
आपके लहू में क्या है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसके लहू में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको एक कंप्यूटर की बात समझाता हूँ, कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है तो उसको एंटीवायरस देना पड़ता है। तो वो एंटीवायरस क्या करता है, अंदर जाके उस वायरस को खत्म करता है जो कंप्यूटर को, डाटास को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार से यीशु का लहू जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे गंदे लहू को, हमारी गंदी सोच को, गंदे विचारों को धोकर शुद्ध करने की ताकत उसमें है, ताकत। एग्जाम्पल से समझिए आप, अगर वायरस अंदर जाकर काम करता है तो उसे एंटी वायरस दिया जाता है। टीबी किसी को हो गई है तो क्या कर जाते हैं, उसको डॉट्स टैबलेट्स नाम की जो टैबलेट आती है वो दी जाती है। वो क्या करती है, अंदर जाकर उसको खत्म कर देती है और मनुष्य को स्वस्थ कर देती है। उसका काम है बीमार करना, पर यीशु का काम है, यीशु के लहू का काम है आपको जीवन देना। कुछ बातें परमेश्वर के वचन में से मैं आपको समझाऊंगा। यीशु के लहू में ताकत है। जब आपको डर लगे गाना गाना, यीशु के लहू में कुदरत है। भूत भी भाग जाएगा, भूत भी भाग जाएगा, डर भी भाग जाएगा, क्योंकि यीशु के लहू में ताकत है और आज भी वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 4 पद। पहले 2-3 आयतें दे दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यीशु का लहू क्या करता है। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसके द्वारा उसको, वो धर्मी है, हाबिल धर्मी है, उसकी गवाही भी दी गई। और क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मरने के बाद भी धर्मी का लहू बातें करता है। तो अगर हाबिल का लहू बात कर सकता है तो यीशु का लहू उससे ज्यादा सामर्थ्य है। आमेन। परमेश्वर के वचन में से हम एक आयत को निकाल के पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 28 पद। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, यीशु ने कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। If you are sinner, अगर आप पापी हैं तो आपको यीशु के लहू की जरूरत है। धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए बहाया गया है ताकि वो आप पाप से आजाद हो जाएं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना एक का सात पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा यीशु मसीह के लिए लिख रहा है कि जैसा यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले और तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता बराबर बनी रहेगी। आगे, और उसके पुत्र यीशु का, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें कुछ पापों से शुद्ध कर देता है। पाप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, दुनिया के लोग शायद आपको माफ नहीं करेंगे, दुनिया के लोग आपको उसी नजर से देखेंगे, परंतु यीशु नहीं देखता है, ना परमेश्वर देखता है, ना पवित्र आत्मा देखता है। यह दुनिया की नजर है,
हम अगर यीशु के लहू को पुकारेंगे, यीशु का लहू आएगा और हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे सोचने से पाप होता रहता है। हेलो, अब मेरे साथ है? अगर एक विचार भी आपके जीवन में गलत आ जाए तो आपको क्या करना है? यीशु के लहू को बुलाना है और उस लहू को बोलना है, मेरे गंदा विचार आ गया, जरा साफ कर दो। उसकी फीस थोड़ी ले रहा है वो, कोई फीस ले रहा है क्या वो, जो आपको भारी पड़ रहा है? पवित्र रहने का एक बात बता रहा हूं मैं। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं साइकिल चलाऊं, गाड़ी चलाऊं, कार चलाऊं, बैठा हुआ हूं, कोई भी विचार आता है मैं तुरंत बोलता हूं, यीशु ये विचार आना नहीं चाहिए था पर आ गया, अभी क्या करूं, आप अपने लहू को भेजकर मुझे शुद्ध कर दो, क्योंकि क्या पता अगले ही क्षण मेरी मृत्यु हो जाए और मैं पाप में मर जाऊं। पाप में मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? नरक चला जाऊंगा। ये सर्किल, ये चक्रव्यूह क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि समथिंग रॉन्ग हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तुरंत यीशु का लहू पुकारा जाए, यीशु का लहू आएगा और लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से बचाने की और शुद्ध करने की ताकत रखता है। आपका कपड़ा गंदा होता है, आप धोते हैं? धोते हैं। थोड़ा सा भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए उसमें, धुलावा कपड़ा भी अगर गिर जाए और उसमें दाग लग जाए तो तुरंत उसको वापस क्या करते हैं? हम वॉशिंग मशीन में ले जाते हैं। हालेलुया, यीशु का लहू ऐसे ही काम करता रहता है, पुकारने वालों के लिए काम करता है, जो उसे पुकारते हैं उनके लिए वो आता है। हालेलुया, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद को पढ़िए। मैं यीशु के पावर, लहू के पावर बता रहा हूं आपको, लहू में कुदरत है जिसको अभी आज हम थोड़ी देर बाद में लेने वाले हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? यीशु का बलिदान जो है ना वो निर्दोष है। निर्दोष कैसे है? चोर चोर की जमानत नहीं दे सकता। मान लीजिए आप कटघरे में खड़े हैं, इधर भी चोर खड़े हैं और इधर भी चोर खड़ा है, जज बोलता अच्छा ठीक है भाई हम तुम पर दया करना चाहते हैं, चलो तुम जमानत ले आओ, हम तुमको छोड़ देंगे। इधर वाला चोर बोलता सब मैं देने को तैयार हूं इसकी जमानत। जज क्या बोलेगा? भैया तुम खुद तो चोर हो, चोर चोर की जमानत नहीं दे सकता। चोर की जमानत देने के लिए एक साहूकार व्यक्ति चाहिए जिसने कभी चोरी नहीं की और रिकॉर्ड अच्छा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का रिकॉर्ड इस दुनिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। 5 अदालतों में पेश किया गया और 5 अदालतों ने यह बोला इसमें कोई, इसमें कोई दोष नहीं है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, पर वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया, हमारा कर्जा खुद ने चुका दिया, हमारे श्राप अपने ऊपर ले लिए, हमारे पापों का बोझ परमेश्वर ने, यशायाह की किताब पढ़े 53 अध्याय वहां लिखा है पिता को यह भाया कि हमारे पापों का बोझ, हमारे श्रापों का बोझ सब उसके ऊपर लाद दिया उसने। हालेलुया, और जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सजा उसने उठा ली और उसके बाद हमें सजा से आजाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। या लिखा हुआ है जो मसीह का लहू अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक को तुम्हारे कॉन्शियस को, विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करे। हम कैसे थे पहले?
हम मरे हुए कामों में फंसे हुए थे, हम गलत कामों में फंसे हुए थे, हम पाप में फंसे हुए थे, हम व्यभिचार में फंसे हुए थे, नाना प्रकार की और गलत गलत बातों में हम फंसे हुए थे, गलत विचारधाराओं में फंसे हुए थे। पर जब यीशु का लहू आया तो उस सब चीजों से, मरे हुए कामों से, मरे हुए काम क्या है, संसार के, जो संसार के कामों में उलझा हुआ है समझ लो वो मरा हुआ है, संसार की, संसार में है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमको मरे हुए कामों से क्या करता है, हमारे विवेक को मरे हुए काम, विवेक पर अटैक करता है। यीशु का लहू, यीशु का वचन हमारे विवेक को छेदता, विवेक को, हमारे कॉन्शियस को प्रिक करता है। पवित्र आत्मा का इस दुनिया में अभी क्या काम है, वो बोलता है कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो आकर तुम्हें पाप के विषय में क्या करेगा, कायल करेगा, आपको राइट और रॉन्ग बताना शुरू करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनना समझने आ जाएगी कि ये पवित्र आत्मा चाहता है, तो आप पाप से बचते रहेंगे। और यीशु का लहू मरे हुए कामों से, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम से, सब बातों से, मरे हुए काम कोई क्यों ना हो वो शुद्ध करेगा। और हम ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, ताकि तुम क्या करो, जो सेवा करना चाहते हैं, मैं उन तो सेवा दल के लोगों को बोलना चाहता हूं, पहले यीशु के लहू को इस्तेमाल करना सीख लो, उसकी वैल्यू समझो, तब सेवा शुरू होगी आपकी। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु का लहू हमें सब पापों से और मरे हुए कामों से क्या करता है, शुद्ध करता है। पहला पत्रस एक अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। पहला पत्रस एक 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा निकम्मा चाल चलन, हमारे अंदर निकम्मा चाल चलन कहां से आया, जो बाप दादा, एक मिनट भैया, इसी में उत्तर है क्या, हाँ पढ़ो, जो हमारे आता है कहां से आया, हमारे अंदर, हम पाप करते हैं ना, या हम गलत बात करते हैं, हमारी सोच गलत है, ये हमें विरासत में मिला हमारे बाप दादों से। कहां से मिला, ये को तो बाप ही यान ही हो, वो भी यान ही है, इको दादो भी या नहीं हो, बोले कि नहीं मारवाड़ी में, कुछ चीजें हमको, हमारा डीएनए गड़बड़ है, क्या है हमारा। पर मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह में आने के बाद हमारा डीएनए भी बदल जाता है, पाप का कीड़ा निकल जाता है हमारे अंदर से, पाप के जम्स निकल जाते हैं हमारे अंदर से, क्योंकि यीशु का लहू जाकर उनको मारता है। प्रेज द लॉर्ड, उसमें इतनी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो चाल चलन तुम्हारा निकम्मा है ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही थे। तुम जो आज प्रभु के दासों को सताते, परेशान करते हो ना, तो ये कोई नया नहीं कर रहे हो तुम, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही करते थे, कुछ नया थोड़ी कर रहे हो, वो तो ब्लड में है ना तुम्हारे, विरोध करना तुम्हारे ब्लड में, विरोध करना तुम्हारे ब्लड में, अपने अगुओं की बदतमीजी से बात करना तुम्हारे ब्लड में है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड में कहां से आया, बाप दादों से आया, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से आया। पर बोलो, पर वो भी दूर होता है, वो भी बदलता है। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाइबल में ऐसा एक जगह लिखा है, क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है, कुछ चीजें
कहां से मिली हुई है। आपके घर में कभी कभी बच्चा विरोध करता रहता है, गुस्सा करता है, माँ बाप मेरे पास भी लेकर आते, भाई साहब ये बहुत गुस्सा करता है। मैं सीधा पूछता हूँ, ये मम्मी पे गया कि पापा पे गया? वो दोनों हंस जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। मैं समझ जाता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं होती है। पत्नी ये तो नहीं बोल सकती इनके ऊपर गया है, पर वो अगर वो देखती है ना उधर की तरफ, तो मैं समझ जाता हूँ। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तो मैं बता रहा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ को भी कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उससे बोला, तुझ पर अनुग्रह हुआ और तुझे एक बेटा होगा, मरियम ने एक सवाल उसके सामने रखा, शादी नहीं हुई, बेटा कहां से होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? पति पत्नी के संबंध के बाद, शादी के बाद संबंध और संबंध के बाद बच्चे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। नो वन कैन चेंज, कोई बदल सकता है इस ट्रुथ को? ऐसे करो। पर स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। अगर मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ धारण कर सकती है, तो तुम्हारे पाप का गर्भ पवित्र आत्मा की सामर्थ से गिर नहीं सकता क्या? तुम्हारा गंदा डीएनए है, पुराना डीएनए है, पुरानी बातें, तुम्हारा विवेक जो गड़बड़ है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। मुझे बदला है प्रभु ने, मैं पुराना राजेंद्र नहीं हूं। यीशु का लहू जब मेरे जीवन में आया, मुझे बदल के रख दिया उसने। अब मुझे क्रोध नहीं आता है, आता ही नहीं। आप बोलते रहो कितना ही आते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, पाजी साहब आप पहले क्यों नहीं मिले? बोला अच्छा हुआ नहीं मिले, क्योंकि तो पहले वाले राजेंद्र को आप नहीं जानते। ये वाला राजेंद्र आपको इसलिए पसंद आ रहा है कि इसका जीवन यीशु ने बदला है। जब से प्यारा यीशु आया, जीवन बदल गया। आप ऐसा मत सोचो कि साहब इनके अंदर जो पुराना जो डीएनए है वो निकल नहीं सकता। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कुछ और वहां पर लिखता, पढ़ देना 10:4, उसके बाद वापस इधर आएंगे। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, बैल और बकरों के लहू से पाप दूर नहीं होते। ये शब्द पर ध्यान देना, पाप दूर नहीं होते। उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं, आदम और हवा ने जब फल खाया, पाप आया, आदम तू कहां है? आदम ने क्या बोला? हे प्रभु मैं झाड़ी के, अबे तू झाड़ी के पीछे क्या कर रहा है? प्रभु मैं नंगा हूं। अबे तुझे किसने बताया तू नंगा है? प्रभु परमेश्वर ने उससे सीधा पूछा, क्या तूने वो फल खा लिया? हाँ प्रभु मैंने नहीं खाया, ये मैडम जो तूने मुझे दी थी, मैंने मांगी थोड़ी थी, तूने जबरदस्ती दी। उसने खिला दिया। आपको पता है उसी वहां ऐसा लिखा है,
परमेश्वर ने उनके नंगेपन को यानी पाप को एक जानवर को बलि किया। बलिदान से पुराने नियम में जितने बलिदान हैं उनसे, सुनिए ध्यान से, होम बलि हो, मेल बलि हो, कोई सी भी बलि क्यों ना हो, कोई सा भी बलिदान क्यों ना हो, पाप ठापे जाते थे। परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप ठापे नहीं जाते हैं। पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने दूर उन हमारे गुनाह हो जाते हैं, और फिर वो प्रभु याद नहीं करता कौन था पाप, कौन सी बात मुझे याद नहीं है, तू काय को याद करके बैठा है। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, एक और बात भेद की बात बताता हूं। चोर की जमानत देने के लिए एक हैसियत होती है, हैसियत होती है ना, जो हैसियत वाला है अक्सर मेरे को बोलते हैं जमानत चाहिए, वो घर का कागज चाहिए। क्यों भाई, घर का कागज चाहिए, गाड़ी का कागज चाहिए, वो यानी जो उसके स्टैंडर्ड से ऊपर हो वो उसकी जमानत देगा तो नीचे वाला बच जाएगा। नहीं आई समझ में? और यीशु मसीह हमारे से ऊपर है हर बात में। उसका जन्म अलौकिक, उसका क्रूस पर चढ़ना, गलील की राहों पे चलना, ये सब अलौकिक है। वो अलौकिक है। उसका क्रूस पर मरना अलौकिक है, उसका गाड़ा जाना अलौकिक है, उसका मुर्दों में से जी उठना उससे भी ज्यादा अलौकिक। तो उसकी जमानत नहीं चलेगी क्या? स्वर्ग में भी चलेगी। अगर स्वर्ग में बोल दिया ना हाँ ये मेरा है तो गए। आपको पता है ऊपर भी तीन गवाह हैं, पानी, पवित्र आत्मा और लहू। लहू कौन सा? वही यीशु का लहू। मैंने बोला था लहू पुकारता है, और वहां भी लहू पुकार करके बोलेगा फलाने भाई के लहू पाप मुझ में धुल गए। पानी में बपतिस्मा लिया है तो पानी फुकला बोलेगा हाँ 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 डुबकी ली थी, हालेलुया। और पवित्र आत्मा तो बोलेगा मैं ही तो लेके गया था तुम्हें चर्च, मैं ही तो लेके गया था। इफ यू आर हियर, अगर आप यहां बैठे हैं, किसी व्यक्ति की बिसात से नहीं बैठे, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक साधन था, संसाधन था, पर लाने वाला पवित्र आत्मा है। यह अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू का लहू पापों को दूर कर दे। वो केवल पुराने नियम में जो जितने बलिदान हैं पाप ठापने के लिए हैं, पर नए नियम में नई वाचा का लहू हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने की ताकत रखता है। यह है लहू की ताकत। आमीन। आपको चाहिए, आपको चाहिए वो लहू। पुकारो, पुकारो। तुम्हारे बाप दादों का चाल चलन जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा डीएनए ना बदल दे तो मुझे बता देना, उसने मेरा बदला है, तुम्हारा भी बदलेगा। हालेलुया। जब यीशु काम करता है ना तो पूरा करता है। हालेलुया। वो पूरी रीति से बदलता है। कुछ लोग क्या है 50-50 है ना, आजकल बहुत बिस्किट चलते हैं 50-50, 20-20। आप लोग वो हो 20-20, 50-50, पर यीशु 100% बनाता है, 100%। हालेलुया। प्रभु का लहू हमारे डीएनए को बदल देता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है। हाँ पढ़ देना भैया, वापस आना पहला पत्रस में। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, वहां पर लिखा है बैल और बकरियों के, गायों के बलिदान से, रक्त बहाने से हमारे पाप केवल ढपते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना। और किसका मेमना? यूहन्ना ने क्या बोला था? देखो ये वो परमेश्वर का मेमना है, लैम्ब ऑफ गॉड, लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को उठा कर ले चला। हालेलुया।
लिखा है अर्थात मसीह के बहुमूल्य, बहुमूल्य का क्या मतलब है, आप इतनी कीमत है कि आप खरीद नहीं सकते। यीशु का लहू बहुमूल्य है और वो खरीदा, उससे कुछ खरीदा जाता है, उस लहू से उसने हमें मोल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेरितों के काम 20:28, वहां पर हम देखते हैं कि इस लहू की कीमत से क्या खरीदा गया है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपने और अपने झुंड की चौकसी करो, आगे, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, आगे, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे परमेश्वर की कलीसिया, कौन है ये बिल्डिंग है, मैं और आप हैं, जिसे उसने अपने लहू से, ये बात लहू से मोल लिया है। हम काई से मोल लिए गए हैं, क्या कीमत दी है हमारी, हमको छुड़ाने की क्या कीमत दी है, हमको कलीसिया में लाने की क्या कीमत है, यीशु का लहू। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहन और भाई खून का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है ना, और खून उसका बहन का बहजा या भाई का बहजा है तो चक्कर आने लग जाते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। जीवन में वो दिन में वो मेडिकल में काम करती है, दिन में 10 लोगों का खून उसके सामने बहता है, पर बहन का बहाना है तो चक्कर आए, अंदर से कुछ होता है, होता कि नहीं होता है, अरे हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तो मैंने समझ लिया कि भाई चाचा भतीजा और जो ब्लड रिलेशन होता है, तो ब्लड रिलेशन का जब संकट होता है तो हम भी उसके साथ उसके संकट में, पर पति पत्नी का तो कोई लफड़ा नहीं होता, पति तो अलग घर आने से, पत्नी अलग घर आने से, नहीं, फिर पति पे जब प्रॉब्लम आए तो पत्नी आंसू क्यों आती है, because of love, because of, वो ऐसा प्यार उत्पन्न हो जाता है, मैं रोता हूं तो वो भी रोता है, क्यों गाते हम ऐसा, चोट मुझको लगती है दर्द उसको होता है, अरे ऐसे ही थोड़ी खून से मोल लिया है, दर्द हमको होता है, चोट हमको लगती है, दर्द उसको होता है, यह है रिलेशन मसीह का कलीसिया के साथ, ऐसा ही रिलेशन। स्तफनुस के वध के समय में यीशु बैठा नहीं था, सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया था, जब जब कलीसिया सताव में जाएगी यीशु बैठा नहीं रहेगा, कुछ करेगा, और अभी भी कर दिया ना। कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजो, प्रभु का वचन हमें बताता है, चलिए जल्दी से एक और बात पढ़ेंगे, कुलुसियों 1:20 जल्दी से पढ़ दे, समय हो गया है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, सुनिए ध्यान से, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्या क्या मिल गया हमको, किससे मेल मिलाप हो गया, परमेश्वर से। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में हमेशा कहा, आओ मैं तुम्हें पापा से मिलाता हूं। किससे मिलाने आया, हमारे टूटे हुए रिश्ते को यीशु का लहू जोड़ देता है। लिखा है मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में, चाहे वे स्वर्ग की हो।
हालेलुया। उसके बाद रोमियो 5:9 पढ़ो जल्दी से, 2-3 आयतें देकर अपन प्रभु मेज की सेवा में जाएंगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम उसके, अभी भी बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं ना 70 साल की उम्र में, 80 साल की, प्रभु परमेश्वर में बहुत बड़ा पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कौन आज अपना जीवन यीशु को देता, आगे आगे खड़ा हुआ है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। हेलो, मैं पापी हूं। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं ना तो कितनी चोट पहुंचती होगी यीशु को और उसके लहू को। बोलता हुआ मैंने फालतू इसके कब दिल को धोया, ये तो अभी तक पापी है। हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं। We are righteous by the blood of Christ, not by power. हमारी पावर, हमारी शक्ति से नहीं, by the blood of Christ. यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। आज से कोई अपने आप को पापी नहीं बोले। ए पापी हूं प्रभु मुझ पे दया कर, कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, खाक हूं, राख हूं, मैं मिट्टी हूं। मिट्टी तो सांप की खुराक है, आ जाएगा तेरे को, तू बोला मिट्टी हूं, आ जा। हम जो है मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन उस वो मिट्टी में भी अब ताकत है, उस मिट्टी को भी वो छू नहीं सकता अब, क्योंकि हमारे अंदर यीशु का ब्लड है, यीशु का लहू है। इसलिए ऐसी दकियानुसी प्रार्थनाएं मत किया करो। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा जो हम पर हुआ है, हम उसके बेटे बेटी बन गए हैं। अभी आपका एक जवान बेटा आकर आपसे बोले, पापा मैं मिट्टी हूं, माइकल आपकी बेटी आपसे बोले, स्वाति माइकल, पापा मैं मिट्टी हूं, मैं खाक हूं, मैं राख हूं, मैं कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, आप क्या बोलोगे? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू माइकल की बेटी है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। कई विश्वासी अभी भी शुरू करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से, फिर आ जाते हैं कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, खाक हूं, राख हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, वी आर अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर आज भी आप पापी हैं तो फिर यीशु का लहू बेकार हो गया। वो काई के लिए बहाया गया, मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए। तो आज से हम सब कहें हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, हम खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोगों से कौन डरता है? शैतान डरता है। और आपने बोला मिट्टी हूं, अच्छा तू मेरी खुराक है, परमेश्वर ने बोला है तू मिट्टी चाटेगा। आप जितने किलो के ढेर है ना, मतलब जितना किलो आपका वजन है उतने किलो की मिट्टी हो गए शैतान के लिए। आप बोला वो 2-4 दिन की खुराक तो हो गई अपनी। डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, मैं धर्मी हूं, मैं लहू से खरीदा हुआ हूं, मेरे लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, वो बेकार नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा, वो मुझे बाहर से भी बदलेगा और मुझे अंदर से भी बदलेगा, वो मेरे बाप दादों का श्राप भी अंदर से धोकर शुद्ध कर देगा। उसके लहू में, उसके लहू में, उसके लहू में ताकत है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रदर यूहन्ना 5:56,
यीशु का लहू आपके जीवन में एक और काम करता है, और वो है, पढ़ो यूहन्ना 5:56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, यानी इस प्रभु की मेज के बारे में बोल रहा है, समझा रहा है उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू समझा रहा है। वो कह रहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, वो डावाडोल नहीं होता है, स्थिरता लाता है। यीशु का लहू हमारे आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता लाता है, वो डावाडोल नहीं होता। कोई आके बोले घर वापसी, बोले घर वापसी तो हुई है, पहले भटक गया था, पिताजी के घर आ गया वापस, तो घर वापसी तो हुई है। हालेलुया। स्थिर आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता आपके जीवन में जब आएगी, जब आप यीशु के लहू की वैल्यू समझेंगे। वो स्थिरता देता है, जो यीशु का लहू पीता है, जो इससे जुड़ा रहता है, वो कभी डामाडोल नहीं होता। हालेलुया। आपको पता है, अंद्रियास अपने भाई पत्र शिमोन को यीशु के पास लाया, और शिमोन को देखते ही यीशु ने कहा, आज से तेरा नाम शिमोन नहीं है। शिमोन का मतलब अंग्रेजी में होता है बुश, और बुश का हिंदी रूपांतर होता है झाड़ी। जब झाड़ी, अगर किसी झाड़ी को देखें आप, छोटी झाड़ी को, इधर से आंधी आएगी बेचारी इधर झुक जाएगी, इधर से आंधी आएगी इधर झुक जाएगी, इधर से आंधी आए उधर झुक जाएगी, इधर से आंधी आएगी इधर झुक जाएगी। हम झुकने वाले नहीं है। जब यीशु के पास आते हैं, हमारे झाड़ी का जीवन परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल देता है और हमको एक चट्टान बना देता है। चट्टान आंधियों से तूफानों से झुकती नहीं है, झुकती नहीं है। हालेलुया। हम झुकने वाले नहीं है, हम डावाडोल होने वाले नहीं है, क्योंकि हम यीशु के लहू का वैल्यू समझते हैं। उसका लहू हमें आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता देता है। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ हैं? संसार की हवाएं, संसार की आंधियां, संसार के तूफान हमें झुका नहीं पाएंगे। हम मसीह में स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि यीशु का लहू लेते हैं। वो हमें बने रहने की ताकत देता है। पहला पत्रस 2:24 पढ़ दीजिए। यीशु का लहू एक और काम करता है मेरे प्यारे भाई बहनों। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह के ऊपर लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, यानी हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए क्या हो गए, मर गए, और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। काय के लिए जीवन बिताना? अब धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए। वी आर राइचस, हम धर्मी है। हालेलुया। अगर कोई अभी भी पापी बैठा है, यीशु के लहू को पुकारो, वो आपको धर्मी बना देगा। पढ़ो आगे। उसी के मार खाने से उसके कोड़े खाने से, यशायाह भी 53 अध्याय में बोलता है, और परमेश्वर का दास यहाँ पर पत्रस भी बोलता है, और मती भी बोलता है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाते हैं, चंगाई मिलती है। हालेलुया। कौन कहता है चंगा नहीं होता इंसान? हालेलुया। हमारा मन चंगा कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। हुए कि नहीं हुए? रिव्यूल में चंगाई मिली कि नहीं मिली? अरे शारीरिक तो मिलेगी, आत्मा भी चंगी हो जाएगी, आत्मा चंगी हो जाएगी, दिल और दिमाग चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। घर का हालात बदल जाएगा, घर के वातावरण बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी। यीशु के लहू में ताकत है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु का लहू किसके लिए बहाया गया?
मेरे लिए बहाया गया, मेरे परिवार के लिए बहाया गया, और मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे बंधन से आजाद होने के लिए यीशु का लहू काफी है। अब मैं ना डरूंगा।